तो गाड़ी इधर से आ रही थी, यहाँ से स्लिप होके इसमें घुसी है। भैंस भी गिर गया, आदमी भी गिर गया। आज संडे का दिन है तो आज हमारी क्लास बंद है, तो सुबह सुबह कपड़ा धो रहे थे अपना। और इस कितना बढ़िया आज मौसम है यार, देखो हल्का हल्का धूप निकला है लेकिन बारिश हुई थी, देखो छत पूरा भीगा हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते जो हाथ से सोने, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRN ब्लॉग्स। तो आज संडे का दिन है तो क्लास तो नहीं होगा, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुकी है, तो कपड़ा अपना धो लिए हैं और सूखने के लिए डाल दिए हैं। जो सोलर पैनल लगा उसके नीचे में, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है तो उसके नीचे में पानी नहीं पड़ेगा और कपड़ा भी सूख जाएगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ कहीं लोकल घूमने के लिए कुछ जगह होगा तो उधर जाएंगे घूमने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाएंगे क्या नज़ारा दिखा पाते हैं आज। और बस यही है अभी का, तो फटाफट जाते हैं, बाल्टी वगैरह रखते हैं और नाश्ता करने जाते हैं। अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी है और अभी इसमें पेट्रोल भरते हैं, उसके बाद जाते हैं घूमने के लिए। इधर जाएंगे पेट्रोल भरने, कितना दूर में आगे है? 5 किलोमीटर। और इधर तो हम बालू मात से निकल चुके हैं गांव के साइड में घूमने के लिए। एक इधर जगह है और अमर का एक दोस्त रास्ता है इधर ही, तो उसी साइड में 5 किलोमीटर के अंतराल में कुछ वाटरफॉल है, तो वहां पर जाने वाले हैं। तो हम लोग यार रास्ता का वीडियो बनाने भूल गए थे, बताओ जल्दी जल्दी में निकले और आ गए हैं ये जंगलों में। और इधर का रोड भी काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सीधे। कितने किलोमीटर बाकी है अमन? ज़्यादा दूर नहीं, और 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर बाकी है तो जाएंगे तेरे दोस्त के घर में। हाँ, पहले वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ के बाद वाटरफॉल देखने के लिए ले जाएंगे, बोला है, देखते हैं। और वाटरफॉल कैसा है, हम पहली बार आ रहे हैं यार इस साइड में, पहली बार इस साइड में घूम ही रहे हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं है रास्ता कहाँ जाते हैं किधर जाते हैं। बट रोड में इधर ना हर जगह रास्ता में गाँव और सारा कुछ नाम लिखा हुआ है, तो अंदाज पड़ जा रहा है। और रोड की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है, तो थोड़ी देर के बाद हम पहुँच जाएंगे। कौन सा गाँव जा रहे हैं अभी? तो सरदा पार जाएंगे। ओके, तो चलो यार, नाम भी हमको डिफिकल्ट लग रहा है, पहली बार सुनते हैं ना, तो नया नया नाम लगता है। तो चलो दिखाते हैं, कोशिश करेंगे। आज का वाटरफॉल का आज का मेन डेस्टिनेशन है हमारा, कौन सा वाटरफॉल है? दातम पाटम। वो दातम पाटम वाटरफॉल है, तो वहाँ जाएंगे सोच रहे हैं, देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या रहता है। तो बस वीडियो में बने रहो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और खूब सारा प्यार दो, तो ऐसे ही नज़ारा दिखाते रहते हैं। और इस रोड में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, तो आराम आराम से निकलते हैं यहाँ से। पीछे में मेन रोड और मेन रोड सभी कट चुके हैं, एक कच्ची रास्ता है जो कि गांव की तरफ लेके जाती है, तो इधर से घुस रहे हैं। गजब लग रहा है यार, मस्त लग रहा है जंगल के बीच में। देखो यहाँ पे एक चर्च है, और बच्चा लग रहा खेल रहा है। बस्ती के अंदर से निकल रहे हैं अभी हम लोग, मुझे लगा था कि यही गांव है, बट और आगे जाना पड़ेगा। ये एक टोला था बोल दो क्या, अब वो जंगल के बीच में बसा एक गांव है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहां का लैंडस्केप देखें तो पूरा ऊंचा नीचा है, तो जंगल है किनारे किनारे पूरा का पूरा, और बीच में खेत भी है। देखो यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसा है। लोग बस यहाँ रोड की कमी है, बीच बीच PCC है, बट ऐसा रास्ता है, कच्ची रास्ता। देखो एक ही चूहा नज़र आ रहा है, यही घर है, तो यही घर में जाना है हमें। और उधर भी घर एक नज़र आ रही है।
तो अभी यहाँ से निकल चुके हैं, खाना वगैरह खा लिए दातम पातम फॉल की तरफ में, और रास्ता हमें नहीं पता है। तो जहाँ अम्मा आए थे भाई लोग के घर में, वो लोग आगे आगे जा रहा बाइक से और हम भी जा रहे हैं साथ में। तो अभी कच्ची रास्ता से जाएंगे, हम सीधे हाईवे में मिलेंगे, फिर मेन रोड में मिलने वाले हैं इस रास्ते में जाकर। और इधर भी घर है ना? हाँ। लोकेशन मस्त है यार, इधर दूर दूर में घर है और पूरा जंगल ही जंगल है, लेकिन लाइन की व्यवस्था है इधर। बस रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, बस ऐसे रास्ते में अभी निकल रहे हैं। मेन रोड में आ चुके हैं और अभी हैरहंज वाले रास्ते में है, और यहाँ से 5 किलोमीटर हैरहंज दिखा रहा है। भाई निकल तो गए हैं यार, लेकिन पहुँच पाते कि नहीं फॉल तक देखते हैं। जाने का पूरा कोशिश किए हैं कि पहुँचेंगे बोल के, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है दूरी उसका फॉल का, और बोल रहा है कि पानी ज़्यादा भरा हुआ है तो देखने में मज़ा नहीं आया। देखते हैं यार, जाके देखते हैं तभी पता चलेगा। यार पहुंच चुके हैं ऐसा लग रहा है मुझे, तो मतलब गाड़ी यहाँ खड़ा कर रहे हैं तो हो रहा है, देख रहे हैं गाड़ी नहीं जाएगा नीचे, पानी का आवाज़ तो आ रहा है। तो पहुंच चुके हैं दातन पातन वाटरफॉल, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही होगी, लेकिन ऊपर से अभी नज़ारा दिखा सकते हैं। जो यहाँ उतरने वाला रास्ता है वो अभी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो वहाँ रिक्शे नहीं जाते हैं यार, बेकार का फिसल उसल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और रास्ता तो इधर से जाना पड़ेगा पैदल पैदल, तो ऊपर से ही देखते हैं। वाटरफॉल तो बढ़िया है, मतलब ऊंचा से गिर रहा है, देखने लायक है, लेकिन नीचे से जब तक नहीं देखेंगे ना तब तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन क्या कर, नीचे नहीं जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही रास्ता ख़राब है, और यहाँ पे कोई घूमने भी नहीं आता है कि रास्ता भी बनेगा, तो जो लोकल हैं वही लोग जंगल वगैरह आते हैं। तो चलो ऊपर से आप लोग जितना हो सकेगा उतना दिखाते हैं यहाँ वाटरफॉल का नज़ारा। के देखे नदी के उस पार गिरेगा कि नहीं, कंपटीशन चल रहा है। पार हुआ? नहीं हुआ। मतलब यहाँ ऊपर से फेंक के देख रहा नदी को पार कर रहा पत्थर फेंक के उस साइड में। कहाँ गिरा? पत्थर में गिर। वाटरफॉल तो बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन क्या करे, ऊपर से बस देख सक रहे हैं, नीचे जाने के लिए तो बन नहीं रहा है रास्ता, और बिना रास्ता का जाना भी दिक्कत है बरसात के दिन में खासकर। और नीचे से भी जाके देखने के लिए स्थान नहीं है, जो जंगल है साइड में उधर से देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में पूरा पानी भरा हुआ है, कुछ स्थान है नीचे में खड़ा होने के देखने के लिए। झाड़ी निकालना ये पानी जहाँ गिर रहा है ये वाला बोलते हैं दातम। ये है पातम और ऊपर में एक है फॉल इसी का लगातार है, उसको बोलते हैं दातम, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, फिर आएंगे तो दिखाएंगे। पहले ये जो नदी था, ये नदी दिखता नहीं था, पूरा लरंग से पूरा भरा पूरा था। हाँ, ठीक है। पहले किधर गोरु गुरु लोग भैंस वो चराते थे, इस पार से वो पार ले जाया करते थे, उधर से चरा के लाते थे फिर लेते थे। ऐसे ही यहाँ के पहले के लोग बोलते हैं कि पहले के जो चराने लेते थे भैंस लोग, भैंस सबको, वैसे भैंस शायद नदी भरा हुआ था तो वही लरंग के ऊपर ऊपर पार कर रहा था, पूरा जैसा ऐसा था लरंग के पूरा पूल जैसे था, उसे पार कर रहा था, और उसे साथ साथ ग्रह भी पार हो रहा था भैंस मुखिया। तो कोई किसी ने पहले से काट के रख दिया था इधर एक साइड का, गिर जाए बोल, वैसे भैंस भी गिर गया, आदमियों गिर गया,
दबा गया पानी में, वही यहाँ की कहानी है। तो यहाँ का कहानी तो आप सुन लिए होंगे। वाटरफॉल लेकिन मस्त है यार, लेकिन यहाँ नीचे में खड़ा होकर देखने के लिए स्थान नहीं है ना। जब पानी कम होगा तब कुछ उपाय है। तो बस यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं वापस। जस्ट लौट रहे चलो वाटरफॉल देख के, और यहाँ पे खतरनाक बारिश हो गई। तो एक आंगनबाड़ी घर है देखो यहाँ पे, जहाँ पे के भी हम लोग रुक के बारिश से बच रहे हैं। अपनी बाइक वहाँ खड़ी है और देखो रास्ता में कितना ज़्यादा ही पानी बह रही है और पूरा अंधेरा दिख रहा है यार। एक्सीडेंट हुआ यार बारिश के टाइम, अभी थोड़ा देर पहले ही देखो यहाँ से गाड़ी यहाँ से घुसा, स्लिप होकर पूरा हो गया है। तो कौन हिसाब से ऐसे मुड़ गया, इधर से आ रहा था गाड़ी में देख रहा कोई नहीं है रहने कल, तो शायद यहाँ गड्ढा भी है ना, तो गाड़ी इधर से आ रही थी यहाँ से स्लिप होकर इसमें घुसी है। ड्राइवर हुआ तो कोई नहीं है, आदमी नहीं है यहाँ गाड़ी में। हेलो, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, सब निकल गया आदमी। चलो ऐसे पूरा खतरनाक वाला आदमी नहीं ना है, आदमी नहीं है।